हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कालरा फैमिली इन एडमिंटन कनाडा। आज का जो ब्लॉग है वो एक्चुअली कालरा साहब ने शूट किया है, तो ना तो कोई हेलो किया ना हाई किया, सीधा ब्लॉग शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा भाई ऐसे तो ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल ही शुरू कर दिया एकदम से, तो एक हाई हेलो तो करना बनता है। तो इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अलावा बाबा के आगे देखिए, आधा ब्लॉग थोड़ा सा ब्लॉग कालरा साहब ने शूट किया, बाकी का तो हमने ही किया है। तो देखिए ब्लॉग और एंजॉय कीजिए। ये देख रहे हो आप, वॉलमार्ट में लेने कुछ और आए थे और सब्जियां देख के ना इसको आ जाता है लालच, और ये सबसे डेंजरस आयल है जहां पर ये घुस जाती है और मेरे नुकसान होते हैं। खाना छोड़ दो, ठीक है, बनाओ खाना, मैं करूं, मैं बनाना छोड़ देती। तो ऐसी बातें सुनने को मिलती है, मतलब आप देख रहे हो, ये थोड़ी आप जितनी बारी कुछ देखने आएंगे वॉलमार्ट के अंदर उतनी बारी सब्जी आएगी यहाँ से $50 की। देखो जी, मजाक मजाक में टोकरी भर गई है और मैंने इसको बोल दिया कि ना बिल्कुल यहाँ पर ना लगा के चलना है सीधा सीधा। हाँ चलो, ऐसे बार बार करती रहो। हाँ बिल्कुल नहीं, चलो तो आपको लगता है ना मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आगे निकल गया हूँ पर ये वहीं खड़ी हो गई है। ये अच्छी डील लगी हुई है, मैं इसलिए कह रही हूँ। यार ये 427 का ना ये चोर बाजारी मचाई हुई है इन्होंने, ये छोड़ दे। हाँ लो छोड़ दे, 427 एक्स्ट्रा वेगेट। तो फिर वो जो लोफ आता है, वो लोफ आगे लगा हुआ है $3 का, 297 का। मैं तेरे को दिखाता हूँ कहाँ पर है वो। हाँ, वो लेते गंदी डील है भाई ये ना, ये जो लगे हुए है ना डील्स के अंदर, सबसे गंदी डील है ये लेना मत, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। 297 के लगाए हैं, टेस्टी नहीं, ये फाउल टेस्ट करते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं तो यहाँ रख देते हैं और फिर बेच रहे हैं $3। ऐसे लगता है जैसे ब्रेड को ना घी में तल के ना उसके ऊपर चीनी लगा दी हो। सीरियसली ये अच्छा होता है। हाँ ये तो केक अच्छा है, ये डील अच्छी है। आमंड केक हमेशा ना डेट देख के, यहाँ पे ये 18 May 23 लिखा है, मतलब 18 May 23 की डेट है इसकी एक्सपायरी की, तो ये हमेशा देख के लो। हाँ जी, हाउ मच, 1 or 2? दिस इज नहीं, एक एक बिल्कुल तो कहेंगे नहीं। नहीं नहीं, तो ये वाला लेना है कि आमंड वाला लेना है? ये वाला नहीं लेना, हमें सोच रही है भाई कोकोनट वाला ट्राई कर। कोकोनट वाला है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, डन डन, ओके। अब ये देखो, ये वाली आयल देखो, बच्चे छोटे बच्चे थे जिनके पास ये फ्रंट पे लगाई हुई है जहाँ पे आप बिलिंग कराने जाओगे। ये इम्पल्सिव शॉपिंग है, वो कहते हैं यहाँ से निकलते भी ना 10-15 की चीजें उठा लो। पर मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं नहीं उठाता। हाँ मुझे मालूम है। We're going to the self checkout counter. Self-checkout करो। खतरनाक जगह से निकलो। हाँ। कमाल की बात यह है कि जो लेने आए थे ना वो नहीं लिया। हाँ। उसके अलावा सब कुछ ले लिया अभी। क्या करें, ग्रोसरी स्टोर आएंगे तो दिखेगा ही नहीं सामान, कुछ ना कुछ जरूरत तो हमेशा ही होती है। मैंने आगे से लाने नहीं दिया, मेरे बिना शॉपिंग करने आओगे? दो जवाब। जब तक मैं इजाजत ना दूं कि हाँ जी वहाँ से वो ले आना, तब तक ला सकते हो। यही तो प्रॉब्लम है। दिखाओ कितना बिल है। ये बिल है बैठे बैठे $35 का। गुड, चलो लेट्स गो। सर देखो तुमने बोला $50 लग जाएंगे कम से कम। हाँ। इतना हाइप कर देते हो, कितने तो, लगे 35। हाँ, तो जो नहीं लगे ना 50, चार पांच चीजें मैंने उठाने नहीं दी, वो भी तो बताओ ना बेटे। तो वो उठाई नहीं ना मैंने। हाँ तो बस ठीक है, 35 में निपट गए सामान सारा। बताओ इससे ज्यादा बचत और क्या करूंगी मैं।
भाई जो कम से कम $50 का सामान रोका है ना उठाने के लिए, हाँ हाँ, जो ऑफ कैमरा है वो किसी को नहीं पता। हाँ ठीक है ठीक है। धूप देख रहे हो कितनी तेज, देख रहे हो ऐसा क्या जबरदस्त है, आंखें नहीं खोली जा रही इतनी तेज है। सेक लग रहा है -9 फील्स लाइक -13 लेकिन भाई मौसम है। तो कालरा साहब के पास गॉगल है पर वो लगाएंगे नहीं यार, क्योंकि वो यही लगाएंगे, मजनू भाई बन के घूमेंगे। तो समझ नहीं आता यार तुम लोगों को, गॉगल है यार वो लगाओ। हाँ बिल्कुल, अब बात बनी है ना। चलिए जी चले घर, हैरी भैया गए हैं घूमने और उनकी भी देंगे आपको डिटेल, और हैरी भैया एंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती मार रहे हैं और ट्रिप पे एक दिन का ट्रिप था वो गया हुआ है, तो बस आएगा आज दोपहर में, तो जब आएगा तब उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे कि कैसा रहा ट्रिप। खूब फोटो भेजी है उसने, बहुत प्यारी जगह लेके गए, इतना 5-स्टार होटल है, तो दिखाएंगे आपको। चलिए और खूब फोटो भेजी है, बर्गर फ्राइज खाना, ब्राउनी चिकन विद राइस, मतलब हाँ। भाई पूरा हैप्पी है वो। हाँ। और मूवी टाइम हुआ, फिर पॉपकॉर्न वगैरह सब, मजा आया उसको बहुत। चलिए लेट्स गो टू होम नाउ, और हैरी आता है तो एक बारी फिर मिलते हैं उससे। हाँ जी, तो घर तो हम पहुंच गए हैं और मैंने बस आते ही तैयारी शुरू कर दी है, जो काला साहब चिक चिक कर रहे थे ना कि अरे इतना खर्चा कर दिया, ये ले लिया वो ले लिया, तो वो उसी की मैं कुछ प्लानिंग, मील प्लानिंग करती हूँ। तो मैं हफ्ते भर की मील प्लानिंग कर लेती हूँ और जो ज़रूरी काम होते हैं उन्हें करके रख लेती हूँ, जैसे कटिंग चॉपिंग और कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि फ्रीज की जा सकती हैं और ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखी जा सकती हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। सो ये देखिए, ये देखो इस सैलेड को मैंने धो के इसमें सीव में रखा है पानी, ताकि ड्रेन हो जाए सारा, फिर मैं इसको कट करके और ऐसे ही एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखूँगी, क्योंकि बच्चों को रोज़ ही सैलेड चाहिए होता है स्कूल के लिए, और कुछ भी रोल्स बनाने होते हैं, कुछ भी बर्गर वगैरह कुछ भी बनाना होता है, तो फटाफट सैलेड रेडी होनी चाहिए, तो ये रख के सुबह सुबह टाइम नहीं होता ज़्यादा, तो ये मैं कर लूँगी रेडी। ये पेपर्स हैं, इनको कट करके थोड़े अभी यूज़ कर लेंगे और थोड़े फ्रीज कर देंगे। और ये पालक है, पालक बहुत शानदार मिलती है एकदम ग्रीन, और ये बेबी स्पिनच है, बेबी पत्ते होते हैं जो वो हैं, और हरी मिर्चें रेडी रख ली हैं मैंने, ये लहसुन है, लहसुन ऐसे ना ये मिल जाता है वॉलमार्ट में छिला हुआ, ये पील्ड है, तो ये है, अदरक है और मशरूम्स हैं। अब इन सबको मैं अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों को क्रश करके रख लूँगी, और मशरूम को डाइस कर लेंगे, पेपर्स को डाइस कर लेंगे, और इन दोनों को थोड़ा थोड़ा अभी यूज़ कर लूँगी मैं खाने में, और थोड़ा फ्रीज कर देंगे बाद के लिए। और स्पिनच को मैं अभी बॉईल करके पेस्ट बना के रख लूँगी पालक पनीर के लिए, और सैलेड को कट कर लेंगे। तो ये सब तैयारी करते हैं, सो लेट्स डू इट। ये आ गया है विश ट्रिप पर से, माइम के साथ ही आया है, माइम भी आ रहा है पीछे, वो आ रहा है, दोनों को एक ही बस मिल गई होगी, देख रहे हो जैकेटें वैकेटें सब खुली हुई है माइम भैया की। ये देखो आज वैसे पॉजिटिव है, 4-5 है पॉजिटिव, 4 या 5 हो रखा था, गर्मी तो है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, आ गए आ गया, कैसी रही ट्रिप? अरे बढ़िया था सब, बढ़िया था। हाँ ये भी आ गया साथ में, एक ही बस मिल गई थी दोनों को। हाँ हाय, वो कहाँ गया? अच्छा। अब ये जैकेट वैकेट सब खुली हुई है, क्या बात है, हीरो बन रहा ज्यादा गर्मी है, सीने निकल रहे हैं, सीने निकल रहे हैं, इश्यूज ना बाहर उतार के लेके आते हैं, नहीं तो सारा सॉल्ट वॉल्ट ना साथ में कमरे में आ जाता है, तो बाहर ही उतार के आने की इजाजत है सबको अंदर, ये एक रूल है हमारे घर का, राइट? कैसा रहा? सब बढ़िया था। क्या था ट्रिप में? तो ज्यादा कुछ नहीं थी, एक जगह पे लेके गए हमने, वहाँ कौन सी जगह थी वो, कैलगरी के पास गया था? नहीं पर एडमंटन में ही था, एडमंटन में था पर वो 60 किलोमीटर दूर था यहाँ से। अच्छा हाँ ओके, सुबह 10:30 बजे पहुँच गए थे। था क्या, अभी 2 मिनट फोन छोड़ दे। हाँ। क्या था वहाँ पर, क्या म्यूजिक का था, क्या था, म्यूजिक का ही था, म्यूजिक
ट्रिप थी। हाँ म्यूजिक ट्रिप थी। म्यूजिशियंस कौन आए मैं बताऊँ सब, तू बता ना क्या किया। रात को मूवी भी दिखाई थी उन्होंने, बड़े प्रोजेक्टर पे लगा के। चलो ठीक है गुड ओके। हाँ जी तो हैविश तो आ गया ट्रिप से घूम घाम के, और मेरी जो तैयारी है जो मैंने ऐसे करके करी थी वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुई है। मुझे पूरा आधा पौना घंटा लगा है सब चीज़ों को करने में, और कुछ चीज़ें मैं पहले ही करके गई थी सुबह ही। तो ये सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, ये मेरी मील प्रेपरेशन है जो कि मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करती हूँ, और हफ्ता भर की मील प्लानिंग है ये मेरी, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। ये लहसुन का पेस्ट बनाया है मैंने, इसमें थोड़े से जैसे प्रिजर्व करने के लिए हफ्ता भर, ये हफ्ते भर से ज़्यादा का है, तो ये इसको ज़्यादा दिन चलाने के लिए, मैं प्रिजर्व करने के लिए इसको इसके अंदर थोड़ा सा नमक और बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको पीस लेती हूँ। और अगर आपको लगता है कि इस पे जैसे कि कोई पानी नहीं होना चाहिए, कभी भी लहसुन और अदरक जो भी पीसो आप उसमें पानी की क्वांटिटी कभी नहीं डालें, मैंने बिना पानी के इसको पीसा है थोड़ा थोड़ा चला चला के। और अगर मिक्सी में आपको बाई चांस आपको लग रहा है कि भाई डालना ही पड़ेगा पानी के बिना पीस नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने बॉटल में या किसी चीज़ में भर दिया ना, ऊपर एक छोटी सी आधा सा चम्मच डाल के ऑयल की लेयर लगा दें, थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो वो सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और ये देखो ये है अदरक का पेस्ट, मैं अदरक के पेस्ट में नमक और ऑयल नहीं डालती क्योंकि मुझे ये चाय में भी डालना होता है ये पेस्ट, तो मैं इसको सेपरेट इसलिए बनाती हूँ, तो चाय में भी डलेगा ये, तो इसमें नमक और ऑयल नहीं है, ये ऐसे ही सही रहेगा, इसमें भी बिल्कुल भी इतनी सी भी पानी की क्वांटिटी नहीं है, तो ये ऐसी पीस है। और ये जो अदरक छीली है उसके छिल्लड़ हैं, ये भी चाय में काम आते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कभी अदरक के छिलकों को मत फेंको, उसमें ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं। और ये देखो ये हरी मिर्चें क्रश कर ली हैं मैंने, चॉपर के अंदर डाल के इनको ऐसे क्रश कर लिया बारीक, कि ऑमलेट वगैरह में बहुत ईजी रहता है, फटाफट डालो और बन गया, और सब्जियों में भी काम आता है, तो ये भी इसमें भी आप थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के कर सकते हो। और ये अदरक के कुछ जूलियंस बना लिए, इन्हें भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और ये देखो ये सैलड लीफ जो थी लेटस था, आइसबर्ग लेटस को मैंने काट के और ऐसे टिश्यू पेपर लगाया डबल नीचे एयर टाइट कंटेनर में, और इसके ऊपर एक और टिश्यू की लेयर लगा के मैं इसे एयर टाइट करके फ्रिज में रखूँगी। और ये जो दूसरा सैलड लीफ पत्ते होते हैं ना, ये ऐसे लेयर बाय लेयर एक एक को धो के और ऐसे लगा के रख दिया है, बस ऐसे ही निकाल निकाल के इनको यूज़ कर लेंगे। और ऐसे ये मेरे दो सेट बने, और इसको मैं ये जो जिपलॉक बैग है इसमें डाल के इसको फ्रिज में रख दूँगी। ऐसे ही ये यहाँ पे ये कलरफुल पेपर्स मैंने डाइस कर लिए, ये चाइनीज़ वगैरह जब बनाते हैं तो सब चीज़ों में काम आता है, कुछ रोल्स भी बनाने हो तो उसमें भी काम आ सकता है। और ये ऐसे जिपलॉक बैग में डाल के मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। ये थोड़ी सी पेपर्स काट के ग्रीन वाली ऐसे रख ली हैं, इनका बीज निकाल के, तो इनको या आलू शिमला मिर्च बनाने हैं मुझे, इसलिए मैंने इनको डाइस नहीं किया, ऐसे ये क्लिंग रैप करके रख ली हैं बीज निकाल के। मशरूम को मैंने डाइस कर लिया और इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखो ये पनीर है, कनाडा में क्या है कि पनीर मिलता है जैसे, तो वो इंडिया का मुकाबला नहीं है, इंडिया वाला जैसा टेक्सचर नहीं होता है, वहाँ तो हम फटाफट जाके फ्रेश पनीर ले आते हैं डेयरी से, तो यहाँ पे ये ऐसे पैकेट वाला पनीर मिलता है, तो इसको मैंने पहले भी कई तरीक़ों से बनाया तो वो नहीं समझ में आता, पर मैंने अपना तरीका ही यूज़ किया है। तो मैं क्या करती हूँ, डाइस करके ना इनके क्यूब्स करके इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, ये फ्रीज़ किया हुआ है, ये मैं सुबह ही कर गई थी, देखो बज रहा है ना, ये फ्रीज़ किया हुआ है क्यूब करके, और फिर मैंने इनको एक प्लेट में अलग अलग रख के फ्रीज़र में डाल दिया, फिर थोड़े से हार्ड हो गए तो निकाल के जिपलॉक बैग में डाल के और फिर इनको फ्रीज़ कर दिया फ्रीज़र में। और ये थोड़े बड़े क्यूब मैंने काटे हैं पनीर टिक्के के लिए, तो इनको क्या करते हैं कि ना पानी जब आपको यूज़ करने हो ना तो बॉयलिंग हॉट वाटर करो, उबाल लो पानी को, और मैं जैसे कैटल में उबाल लेती हूँ, और इनको एक बर्तन में निकाल के ऊपर से गरम गरम वो उबला हुआ पानी डाल के इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ दो आप,
एकदम सॉफ्ट पनीर बनेगा गारंटी से, इंडिया वाला मुकाबला नहीं है पर बहुत सॉफ्ट बनेगा, अच्छा बनेगा, ये बढ़िया बनेगा। तो ये है, और ये देखो और क्या करोगे। हाँ ये देखो चिकन, ये चिकन था, ये 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है, पूरे हफ्ते भर का है, तो मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। और जो भी मैरिनेशन होती है चिकन की, ये बोनलेस चिकन है, इसको मैंने मैरिनेट करके रखा है सारा, क्योंकि मैंने इस पॉट में इसलिए करा है क्योंकि मैं इसको इसी में पकाऊंगी, इसमें से आधा निकाल के फ्रीज कर दूंगी, जो कि टिक्के वगैरह के लिए काम आ जाएगा, जब भी मुझे चाहिए होगा मैं थोड़ा टाइम पहले उसको बाहर निकाल दूंगी, थाव हो जाएगा फिर उसको यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से ये चिकन मैरिनेट कर दिया है मैंने, पूरे हफ्ते भर का है, 2 से 3 बार ये बन जाएगा। तो आधे का बनेगा कोरमा और आधा रख दूंगी मैं, वो दो 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 बार ही उसका टिक्का वगैरह बन जाएगा। तो ये है मेरी मील प्लानिंग आज की। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोई अपना टाइम बचा के कोई गलत काम किया है, प्लानिंग कर लेते हैं तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कुकिंग के स्टेप्स होते हैं, उसमें आपको ईजी हो जाता है, आपको टाइम मिलता है अपने लिए और भी थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए। तो इसलिए मैं ये इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ। और ये मील प्लानिंग का ये मेरा आज का वीडियो था। कलरा साहब तो गए हुए हैं कुछ काम से, तो मैं ही आज का वीडियो अब एंड करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमें सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आपको रील्स वगैरह हमारी देखने को मिलेंगी। बस यही था आज का ब्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।